अब देखो क्लैट के ऊपर एक बड़ा अच्छा भी मीम, आज हम क्लैट पॉइंट नहीं बनाया है सबसे पहले, तो मीम क्या है, हर साल पेपर ऐसे बदलो कि चार लोग कहें वह क्या कंसोर्टियम है। देखो क्लैट के साथ एक ही दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि भाई पेपर बहुत चेंज करते हैं, और मतलब ये वाला चेंज तो मैं तब भी अच्छे के लिए मानूंगा, लेकिन इससे पहले भी काफ़ी सारे चेंजेस करते रहते हैं, तो इनको ये सब चीज़ भी समझना चाहिए कि कुछ बच्चे ड्रॉप लेते हैं, फिर कुछ बच्चे ऑलरेडी तैयारी करते हैं, किताबें खरीद लेते हैं, बुक्स खरीद लेते हैं, फिर वो सब वेस्ट हो जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, किसी ने अभी 20 मॉक का सेट लिया है, 2000 रुपये खर्च किए, 1500 रुपये किए, अब भाई वेस्ट है वो, क्योंकि नया फॉर्मेट लाना पड़ेगा। तो देखो अभी पैटर्न क्या हुआ है, अपन ना थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और ये आप लोगों के लिए अच्छा है बुरा है, ये कन्फ्यूज़न आप लोगों के दिमाग में है, तो इसको समझते हैं। क्लैट ने किया क्या, 120 क्वेश्चंस कर दिए, पहले कितने होते थे 150 क्वेश्चन, मतलब मार्क्स भी कर दिया कितना 120 मार्क्स 120 क्वेश्चन के लिए। अब इन्होंने ये चीज बहुत ही क्लियर कट शब्दों में कह दी है कि पैटर्न नहीं बदला है, पैटर्न आज भी वही है, क्वांट, सीआर, आरसी, लीगल, करंट अफेयर। ठीक है, अब इतने तो हम लोग सब समझदार हैं, 12th पास कर चुके हो, 12th में हो, कोई 11th में होगा, कि मार्क्स कैसे हो जाएंगे, मार्क्स प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आप कम कर सकते हो। ठीक है, तो वो एग्जैक्ट क्या है वो नहीं पता, लेकिन प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, जैसे कि क्वांट 15 का आता था तो इसको और कम कर दो, 6 7 8 नंबर का हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आप सेक्शन वाइज डिवाइड कर सकते हो, और हर सेक्शन को उतनी इंपॉर्टेंस दे सकते हो जितनी पहले देते थे। वही चीज है, जैसे लीगल, आरसी, सीआर इंपॉर्टेंट था, करंट अफेयर इंपॉर्टेंट था, वो अभी भी है, क्वांट पहले भी कम आता था, वो अभी भी कम आएगा। तो पहले तो उस चीज को लेके बिल्कुल टेंशन खत्म कर दो। ठीक है, अब आप लोगों को जो आगे मॉक्स भी मिलेंगे, चाहे वो क्लैट पॉइंट के हो या आप जिस भी कोचिंग में एनरोल हो, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कम करके मिलेंगे, जब तक ये एग्जैक्ट नंबर नहीं बता दें। देखो एग्जैक्ट नंबर तो इनका इस बार भी कुछ नहीं था, क्योंकि कभी कभी लीगल ज्यादा कर देते थे, कभी करंट अफेयर के मार्क्स बढ़ा देते थे, तो क्लैट ये सारी चीजें करता रहता था, तो अपने को भी उतना नहीं सोचना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ये जो 120 क्वेश्चन का पैटर्न हुआ है, ये हमारे लिए सही है कि बुरा है। देखो मैं इस पे ना बहुत ही ब्लंट होकर एक ऑनेस्ट ट्रूथ बोलूंगा, क्लैट के साथ में एक दिक्कत थी। मैंने बहुत सारे ना ब्रिलियंट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को इस एग्जाम में फेल होते हुए देखा है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो उस लेवल के इंग्लिश मीडियम माध्यम से पढ़ के नहीं आए थे, तो उनकी रीडिंग स्पीड इतनी तेज नहीं थी। आप अगर ये सोचो ना कि आप एक साल की प्रिपरेशन में अपनी रीडिंग स्पीड बहुत तेज कर लोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये वहां पे जो फिर मेट्रो सिटीज या पब्लिक स्कूल, जो कॉन्वेंट स्कूल के जो स्पेशली बच्चे होते थे, उनको थोड़ा सा एज मिलता था, जिनकी इंग्लिश पे कमांड ज्यादा होती थी। अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर 120 का हुआ है, उससे क्या हुआ, पेपर लेंदी कर देंगे, मतलब पैसेजेस लेंदी कर देंगे। भाई पैसेजेस लेंदी कर दें, लेकिन क्वेश्चन तो अभी भी 120 ही रहने वाले हैं, तो 120 क्वेश्चन ही करने हैं आपको, मतलब चाहे पैसेज कितना भी लेंदी कर दें, क्वेश्चन आपके सामने कितने मिलने वाले हैं, 120 मिलने वाले हैं, आपको 120 के ही आंसर निकालने हैं। तो कंपेरेटिवली 150 के कंपैरिजन में चाहे कितना भी पेपर लेंदी हो जाए, 120 क्वेश्चन उसी दिए हुए टाइम के अंदर उन बच्चों के लिए अच्छा रहेगा जिनकी इंग्लिश रीडिंग इतनी तेज नहीं थी। देखो ये क्लैट ने जो ये कोशिश करी है ना कहीं मेरे को जो लगता है कि जो डिफरेंस आ रहा था ना, कि वो मतलब इंग्लिश कमांड वाले स्टूडेंट्स जो थे, जो मेट्रो सिटीज से स्पेशली थे, जो कॉन्वेंट स्कूल के थे, और जो एक नॉर्मल बैकग्राउंड से पढ़ के निकला था, उनके बीच में डिफरेंस कम करने की कोशिश करी, ऐसा मुझे लग रहा है, और कोई रीजन इसके पीछे दिख नहीं रहा है। तो 120 क्वेश्चन ये किया है ना, ये एक अच्छा किया है, क्योंकि ये जो टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा हो जाता था ना, पैसेज पढ़ने में, क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लग जाता था, वो अब खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये अच्छा ही है, दिस इज फॉर गुड, कि भाई 120 क्वेश्चन कर दिया है। ठीक है, और देखो ऐसा भी नहीं कि इन्होंने कोई सब्जेक्ट हटा दिया या कोई सब्जेक्ट जोड़ दिया है, जो थे आपके उसी के ऊपर सब चल रहा है, उसी में इन्होंने थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश करी है। ठीक है, अब इसमें क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, तो स्ट्रेटेजी यही रहनी चाहिए कि देखो जब तक 120 क्वेश्चन के मॉक्स आपके पास नहीं आ रहे हैं, जो कि प्रॉबेबली एक वीक के अंदर हर कोचिंग आपको देनी शुरू कर सकती है, जैसे हमारा काम शुरू हो चुका है, तो क्लैट पॉइंट भी नेक्स्ट वीक से दे देगी, तो वन तब तक आप पुराने क्वेश्चंस को टाइमर लगा के 120 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वांट से कुछ क्वेश्चन प्रोपोर्शनेट हटा दो, लीगल से कुछ हटा दो, सीआर से कुछ हटा दो, आरसी से हटा दो। ऐसे ही आपने अगर कोई बुक खरीद लिया जिसमें 20 25 मॉक है, तो आप उसमें भी ऐसा कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो वही रहने वाला है, पैटर्न तो वही रहने वाला है, तो ये चीज आपको समझनी है। दूसरा, और कुछ कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है,
कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सेम है, आपके लिए ही अच्छा हुआ है। 120 क्वेश्चन में मैं कह रहा हूँ कितना भी लेंदी कर देंगे ना, रीडिंग का उतना रोल अब नहीं रह गया है। मतलब ऑफ कोर्स आज भी पेपर इंग्लिश बेस ही है, आज भी रीडिंग स्पीड की बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन 150 क्वेश्चंस ना बहुत होते थे। उसमें ना एज मिल जाता था उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने बचपन से नॉवेल्स पढ़ी हैं, जिनकी रीडिंग बहुत अच्छी है, जो इंग्लिश में थोड़े फ्लुएंट हैं। मतलब बात सिर्फ बोलने की इंग्लिश फ्लुएंट की नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि जिनकी इंग्लिश पे कमांड ज़्यादा है। और मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे, जैसे आज ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ऐसे जो हमारे पुराने रहे हुए, उनका मैसेज आया कि सर हमारे टाइम पर यह पैटर्न हो जाता तो आज मैं एनएलयू में होता। मे बी हो सकता था, क्योंकि जो टाइम टेकिंग वाली चीज़ थी ना वो कम हो गई है। तो ये सभी को समझना है, और जिनकी इंग्लिश अच्छी थी, जिनको कमांड था, तो आपको तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके लिए कोई डिसएडवांटेज नहीं, आपके लिए और एडवांटेज हो गया है। अब आप 120 क्वेश्चन को जल्दी पढ़ के, जल्दी समझ के, और ज़्यादा टाइम देख के अपनी इफिशियंसी बढ़ा सकते हो, करेक्ट करने की कोशिश ज़्यादा कर सकते हो। तो ये है 100 बात की एक बात, कुछ भी टेंशन की बात नहीं है, कोई ऐसा चेंज नहीं किया जिससे कि हम परेशान हों, अच्छे के लिए ही चेंज है। मुझे ये लगता है कि क्लैट ने ये जो डिफरेंस किया है ना, ये इसीलिए क्या है कि जो डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा सा इंग्लिश एज वालों को मिल रहा था ना, वो कम किया जाए। तो दिस इज अ गुड